तीसरी मरतबा जब तीर लगा, जब ठीक निशाने पर लगा, आपने जब वो तीर निकाला तो खून बहुत तेजी के साथ बहने लगा, तो आपने अपने साथी को उठाया। जब साथी को उठाया तो खून के देख करके साथी ने साहबी रिपोर्ट पूछेंगे क्या हालत है, तो कहा दुश्मन का तीर है। फौरन तीरा साहबा इकराम को उठाया, दुश्मन को काबू में कर दिया गया। साहबी ने पूछा कि आपने पहले ही तीर लगने पर मुझको क्यों नहीं उठाया, तो कहने लगे कि मैं अल्लाह के कलाम की तिलावत कर रहा था और कलाम इलाही की तिलावत उसकी लज्जत और शौक मुझको मेरी तबीयत नहीं मायल हो रही थी कि मैं उसको छोड़ करके इस छोटी सी तकलीफ की तरफ अपने आप को राजी करूं। दो तीर तक के मैंने ये किया, लेकिन जब तीसरा तीर लगा और जो कि लश्कर की पहली की जिम्मेदारी भी थी, इसलिए मैंने फिर नमाज को तोड़ा और उसके बाद मैंने आपको जगाया। ऐसे बेशुमार वाकयात मिलते हैं। हजरत सैयद का वाकया कि अल्लाह के नबी के पास जब ले जाए उनकी वादा, तो कहती है अल्लाह के रसूल ये ऐसे तिलावत करते हैं जिस लबो लहजे में आप पर कुरान को नाज़िल किया गया। हजरत दिले बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जो कुरान को जिब्रील के लबो लहजे में पढ़ना चाहता है, जिस लहजे में नाज़िल हुआ, दिले बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की तिलावत सुन ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकरा हजरत सम्मान असदी इनका वाकया झाड़ फूक का काम करते थे। अल्लाह के नबी के बारे में मालूम पड़ा, कहा कि चलो मैं अल्लाह के रसूल को देख लेता हूँ। जब आया और कुरान की तिलावत सुनी तो कुरान के ऐसे गिनना हुए कि हर वक्त तो तिलावत कलाम पाक में जब भी फारिग होती है इनकी जबान मशहूर रहती। हजरत इकरमा रजी अल्लाह तआला के घर के लड़के थे, जब इस्लाम लाए तो दिन में जहाद करते हैं और रात में कुरान को लेकर के अपने सीने से अपने चेहरे से लगाते उसको पढ़ते और कहते ये मेरे अल्लाह की किताब, ये मेरे अल्लाह ने, ये मेरे रब ने हमारे लिए नाज़िल फरमाई। ये तो तिलावत कलाम। अब फिर उसके बाद आपने हज़रत हुसैन बिन हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़िया बार आप सुना होगा कि अल्लाह के नबी से आकर ये कहते हैं मैं रात में कुरान की तिलावत कर रहा था, मैंने रोशन तकदीलें देखी, मेरा बेटा यहाँ सोया हुआ था, मेरा घोड़ा भटकने लगा तो इसलिए मैं रुक गया। अल्लाह के नबी ने कहा वो फरिश्तों की जमात थी, अगर तुम पढ़ते रहते तो वो अगर तुम तिलावत करते रहते तो वो और करीब आती। तिलावत रोकती इस खौफ से कि घोड़ा उनके बेटे को कुचलने दे तो जमात आगे गई। उमर बिन काब का वाकया कि अल्लाह के नबी ने उनसे कहा कि कुरान सुनाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा तो आप कहते हैं कि मैं कुरान सुनाऊं, अल्लाह के नबी हम पर नाज़िल हुआ, कहा अल्लाह ने मुझको इसका हुक्म दिया। जब हजरत उमर बिन काब ने जुमला सुना तो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल की अल्लाह ने मेरा नाम लिया है। कहा हाँ अल्लाह ने तेरा नाम लिया है। रोने लगे, आंखें अश्कुबार हो गई। जरा सा तसव्वुर कीजिए, तलावत कलाम की बुनियाद पर, कुरान पढ़ने की बुनियाद पर अल्लाह ने अपने बंदे का नाम लिया था। हजरत नबी से कहा क्यों उबैद से, उबैद बिन काब से कुरान पाक सुनो, कितना बड़ा एहसास है। इसके बाद में बेशुमार फायदे, अगर कुरान की तिलावत आदमी करेगा, अगर उसको हिफ्ज कर लेगा तो हाफिज़े कुरान जो होगा अल्लाह ताला उसके वालिदैन को कयामत के रोज ऐसा कीमती हुल्ला जोड़ा पहनाएगा जो दुनिया व माफिया से ज्यादा कीमती होगा। जो सबसे अपने बच्चों को कुरान की तिलावत करवाएगा, जो अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलवाएगा, वो उसके लिए सदका जारिया होने के साथ साथ दर्जात की बुलंदी का सबब रहेगा। वो जब कुरान सीखने के लिए बच्चा जाता है तो रास्ते में फरिश्ते उसको ढांप लेते हैं, जब कुरान की मजलिस होती है तो फरिश्ते उसके अतराफ में खड़े होते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों के जरिए दरमियान उसका तज़किरा करता है। कुरान सीखने और पढ़ने और पढ़ाने वाले के बारे में हदीस में आता है कि समुद्र की मछलियां उसके लिए दुआएं करती है और कुरान की तिलावत के दूसरे बेशुमार जो फवायद हैं कुरान पाक की। ये आदमी अगर कुछ कुरान याद करेगा तो कयामत के रोज रब्बुल आलमीन कहेगा कुरान पढ़ता जा और गलत बुलंद दर्जे तक पहुंचता जा, जहां तक के वो पढ़ता जाएगा वहां तक के पहुंचता जाएगा। सूरह बकरा और सूरह आले इमरान की अगर आदमी तिलावत करता है तो कयामत के रोज अल्लाह रब्बुल आलमीन की जनाब में बादल की शक्ल में आएगी और कहेगी रब्बुल आलमीन ये मेरी तिलावत करते थे, ऐ अल्लाह ये बंदा मुसलसल तिलावत करता था, रब्बुल आलमीन इसके ऊपर रहम फरमा। सूरह मुल्क की अगर आदमी तिलावत करेगा तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया
कि कब्र में जब अजाब सामने से आएगा तो सूरह हुजुरात की तिलावत होगी। अगर आदमी सोते वक्त मौसताइन की तिलावत कर ले तो फरिश्ते हिफाजत के लिए मुतय्यन हो जाते हैं। आयतुल कुर्सी अगर आदमी पढ़ देता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन शैतान से उसकी और उसके माल की दोनों की हिफाजत कर देता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि सूरह बकरा के आखिर की जो दुआ है रसूल से लेकर के आखिर तक के, अगर इसको तिलावत करने के बाद आदमी अल्लाह से कोई दुआ मांगता है तो रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। अगर आदमी कुरान मजीद सूरह फातिहा की अगर जादू या कोई जानवर उसको दस हिस्से में पांच मरतबा अगर उसको पढ़कर खत्म कर देवे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन शिफा देगा। शिफा भी है कुरान। अगर आदमी के ऊपर कुछ जादू टोना जिन शैतान उसके साथ है सूरह फातिहा सूरह बकरा की इब्तिदा की तीन आयतें आयतुल कुर्सी सूरह बकरा की आखिर की आयतें और तो उसके बाद रवायतों में है सूरह आल इमरान की शेर आयत ये फिर उसके बाद सूरह आराफ की जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाएगी उस घर में शैतान दाखिल नहीं होगा, शैतान उसमें दाखिल नहीं होगा। जिस घर में कुरान की तिलावत की जाती है रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होता है, बरकत होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया जो शख्स इस कुरान से अपने ताल्लुक को जोड़कर रखेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको दुनिया और आखिरत दोनों जगह बरकतें और कामयाबी नसीब फरमाएगा। बड़ा मशहूर मामला है, बड़ा मशहूर जुमला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में भी इसको बयान फरमाया कि अगर इस कुरान की तिलावत इस कुरान और इसके पैगाम से आदमी अपने मुंह को मोड़ेगा तो कयामत को रब्बुल आलमीन की जनाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा मुकद्दमा होगा, मुकद्दमा पेश होगा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की जनाब में ये पेश करेंगे कि लोगों ने कुरान को छोड़ दिया था। ये रमजान मुबारक का जो महीना है तिलावत कलाम के पान का महीना है। खुद तिलावत करें, अपने अहलवाल को लेकर के तिलावत करें। कल हमारे समाज और माशरे के अंदर आम दिनों में भी ये सूरत हाल थी कि फजर की नमाज के बाद जब एक आदमी अपने इलाके में गली में निकलता तो कुरान की तिलावत की धीमी हल्की हल्की आवाज ऐसा लगता था इत्र के खुशबू भी खेल रही है या उससे ज्यादा कोई बेहतर नहीं हो। फजर की नमाज के बाद अगर उसके बहुल और मस्तियों में ना चले जाए, घर में बैठ कर कुरान की तिलावत करें, इससे बच्चों के ऊपर असरात पड़ते हैं, बीवी के ऊपर असरात पड़ते हैं, हमारी अपनी औलाद के ऊपर असरात पड़ते हैं। हम अपने ताल्लुक को कुरान से जितना मजबूत रखेंगे, जितना ज्यादा जोड़े रखेंगे, उतना ज्यादा उसके फायदे हैं। आखिर बात के तौर पर कुछ चीजें लोगों ने लिखी है कुरान के अहकामात की तमाम चीजें इंशाअल्लाह कल से मतदरी रहेगी। कुरान से अपने आप को जोड़ने के फायदे अगर आप गौर करें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान को जिस महीने में नाज़िल किया वो महीनों का सरदार रमज़ान मुबारक, जिस रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको नाज़िल किया वो रात तमाम रातों की सरदार लैलतुल क़द्र, जिस नबी पर अल्लाह ताला ने इसको नाज़िल किया वो नबियों का सरदार इमामुल अंबिया, जो फरिश्ता इसको लेकर आया जिब्राइल अमीन व तमाम फरिश्तों का सरदार, जिस उम्मत पर अल्लाह ने इसको नाज़िल किया वो उम्मत खैर उम्मत कौन तो खैर उम्मत रहुदे दिन्नास, तो जो चीज इससे रह जाती है वासी हो जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी किताब ये नाज़िल फरमाई है, इसलिए हम इस कुरान के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करें, इसकी तिलावत करें, इसके अहकामात को समझे पढ़े। ये रमजान मुबारक का महीना नुज़ूल कुरान का महीना है। अगर हमने अपने किरदार और अपने अफ़आल व आमाल को बदल दिया, कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत कर लिया, समझ लीजिए कि रमजान की बरकतें रब्बुल आलमीन ने हम आता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान से जुड़ने खूब उसे पढ़ने समझने और उसकी तिलावत करने